नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। उत्तरी जिले के वजीराबाद थाने की पुलिस ने इंस्टाग्राम पर युवकों से दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह को चलाने वाली एक नाबालिग लड़की और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है, जबकि इन दोनों के साथियों की तलाश जारी है। अब तक ये गिरोह 50 के करीब युवकों को अपनी ब्लैकमेलिंग का शिकार बना चुका है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुद्ध विहार के रहने वाले एक ज्वेलर ने 12 फरवरी को शिकायत दी थी कि 4-5 फरवरी को प्रियांशी नाम के एक फर्जी प्रोफाइल से इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने उसे कांटेक्ट किया। उसने पीड़ित के फोटो लाइक किए और कमेंट कर दोस्ती बढ़ाने शुरू कर दी। उसने ज्वेलर से पूछा कि वो क्या करता है और कितना कमा लेता है। ज्वेलर ने प्रियांशी को बताया कि वो पेशे से ज्वेलर है, लेकिन उसने अपनी कमाई के बारे में उसको कुछ नहीं बताया। प्रियांशी ने ज्वेलर को बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपनी माँ को उपहार में 3 तोले के सोने की चेन देना चाहती है। उसने चेन की फोटो देखकर उसे 10 फरवरी को सिग्नेचर ब्रिज के पास पहुंचाने की गुजारिश की। पहले तो ज्वेलर ने मना कर दिया, लेकिन जिद करने पर वो मान गया। प्रियांशी ने ज्वेलर के मोबाइल पर लोकेशन भेजी और उसे बुला लिया। ज्वेलर 10 फरवरी की रात को भेजी गई लोकेशन के पास पहुंच गया। उसने प्रियांशी को रुपए देने और चेन लेने के लिए बुलाया। प्रियांशी वहां अपने सहेली के साथ आई और पास के फ्लैट पर चलने की जिद करने लगी। अब ज्वेलर के मुताबिक जब वो फ्लैट पर पहुंचा तो वो खाली कमरा था, जहां एक गद्दा पड़ा था। जैसे ही सोने की चेन प्रियांशी ने ली, तभी 3 और युवक कमरे में आ गए और उन्होंने आते ही ब्लूटूथ स्पीकर पर गाना बजाया और पीड़ित की पिटाई शुरू कर दी। 13 तारीख को हमें एक कंप्लेंट मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि उसे एक इंस्टाग्राम में एक प्रोफाइल के थ्रू कांटेक्ट किया गया था। एक लड़की की प्रोफाइल थी और हमारा कंप्लेनेंट एक ज्वेलरी शॉप पे काम करता था, तो ज्वेलरी खरीदने के नाते उससे बातचीत की गई थी और ज्वेलरी खरीदने के नाते उसको एक जगह 13 तारीख को बुलाया गया था। ये जो हमारा विक्टिम है, ये फिर वहाँ पर गया, जो सामान इसको बेचना था वो भी लेके गया था ये। एंड वहाँ जो लड़की थी जिसकी प्रोफाइल थी वो उसको मिली और उसने इसको कन्विंस किया कि इसके बाकी लोग भी खरीदना, बाकी फ्रेंड्स हैं वो भी खरीदना चाहते हैं एंड वो एक फ्लैट में है। इसके बाद बदमाशों ने ज्वेलर के कपड़े उतरवाए और जबरदस्ती एक लड़की के साथ उसके शारीरिक संबंध बनवाए और इस पूरी घटना का वीडियो बदमाशों ने बना लिया। उसके बाद उन्होंने ज्वेलर का फोन, 2 तोले की सोने की चेन और अंगूठी छीन ली। आरोपियों ने ज्वेलर को धमकाया कि अगर वो 10 लाख रुपए नहीं देगा तो वो पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज करा देंगे और उसका सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। पीड़ित ने अपने बचपन के दोस्त को फोन कर 10 लाख रुपए मांगे, लेकिन 1 लाख की व्यवस्था ही हो पाई। इसको फ्लैट में ले जाया गया, जहाँ पे इसके पास जो सामान था, ज्वेलरी का सामान था और जो कैश था, वो इससे मारपीट करके लूट लिया गया। साथ ही साथ इसमें इसकी इसको डिसरोब किया गया और इसकी वीडियो बनाई गई ताकि ये आगे कंप्लेंट ना करे या इसको एक्सटॉर्ट किया जा सके आगे जाके। इसके साथ ही साथ इसके फ्रेंड से कांटेक्ट करवा के इससे कुछ पैसे ट्रांसफ़र भी कराए गए। ये वारदात करने के बाद दोस्त ने आधे रुपए बताए हुए बैंक खाते में और आधे पीड़ित के खाते में जमा करा दिए। इसके बाद बदमाशों ने उससे ATM छीन लिया और उसके अकाउंट से 25,000 रुपए भी निकाल लिए। रात करीब 3 बजे बदमाशों ने ज्वेलर को घर जाने दिया, लेकिन इससे पहले उसके फोन से प्रियांशी के इंस्टाग्राम चैट, व्हाट्सएप लोकेशन और अन्य सबूत डिलीट कर दिए। पीड़ित किसी तरह अपनी कार से घर आया और परेशान रहने लगा। उसके दोस्त ने अचानक रुपए मांगने का कारण पूछा तो पीड़ित ने पूरी बात बताई और कहा कि वो आत्महत्या करना चाहता है। इसके बाद 12 फरवरी को दोस्त उसे लेकर वजीराबाद थाने आया और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। ये वारदात जब पुलिस को रिपोर्ट हुई तो इस पे FIR की गई और इन्वेस्टिगेशन चालू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि ये एक गैंग है जो इस तरीके की वारदातें मल्टीपल बार कर चुका है। ये गैंग इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू जो वेल टू डू पर्सन होते हैं, थोड़ी ठीक प्रोफाइल होती है, उनको टारगेट करते हैं। उनको किसी भी बहाने, किसी सेक्लूडेड कोई कमरा लेते हैं रेंट पे या कोई मकान होता है उस पर ले जाते हैं और वहाँ उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके पास जो सामान होता है उसको लूट लेते हैं। एंड साथ ही साथ उनकी इधर सोडोमी या जो डिसरोब करके उनकी वीडियो बना लेते हैं ताकि वो इस चीज़ को आगे जाके रिपोर्ट ना करें। इसमें हमने अभी तक 2 जनों को अरेस्ट किया है और जो प्रोफाइल बनी थी
जिस जो ऑपरेटर था उस प्रोफाइल के, उस लड़की को भी अरेस्ट कर लिया गया है एंड बाकी लोगों का भी पता लग गया है और उनको भी बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। उत्तरी जिला पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेते हुए प्रियांशी के इंस्टाग्राम आईडी को ट्रैक किया गया। काफी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और कई मुखबिरों की मदद से आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस के पास एटीएम की फुटेज पहले से थी जिसमें प्रियांशी ज्वेलर के खाते से पैसे निकाल रही है, वो तस्वीर कैद हो गई थी। प्रियांशी को पहचानने में पुलिस को इस फुटेज से काफी मदद मिली। पूछताछ में उसने बताया कि वो इंस्टाग्राम पर चैट कर लोगों को फंसाती थी, अमीर लोगों की प्रोफाइल देखकर उनसे दोस्ती करती थी, ये लोग हनी ट्रैप करके वसूली करते थे। प्रियांशी के कब्जे से बरामद फोन में 50 के करीब लोगों के ब्लैकमेलिंग वाले रिकॉर्ड्स मिले। पुलिस की टीमें गिरोह के अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरोह में शामिल नाबालिग और दूसरी लड़की ने इंस्टाग्राम पर फोटो शूट करने के लिए पेशेवर फोटोग्राफर ले रखा था। इसके लिए स्टूडियो में फोटो शूट करने के लिए अच्छी खासी रकम दी जाती थी। तो आप भी रहिए सावधान, क्योंकि ऐसे फ्रॉड आपके आसपास भी मौजूद हो सकते हैं। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।